यहाँ पे मैं लास्ट डे का थोड़ा सा ओवरव्यू दे रही हूँ। हम लोग अराउंड 10-10-15 तक निकले होटल से, एंड फर्स्ट जो गाड़ी का हम लोग ऐसे राउंड राउंड सा एक राइड किए, दैट वाज 40 मिनट के अंदर ही पहुंच गए थे। दैट डे वी ट्रेवल फॉर 33 किलोमीटर्स ओवरऑल। 4 साढ़े 4 घंटा का ड्राइव था एंड 5 साइट सीन किए थे, 5 जगह गए थे। एंड फर्स्ट गए थे की मॉनेस्ट्री, एंड देन वहाँ से किब्बर विलेज, एंड देन किब्बर विलेज से हिक्किम पोस्ट ऑफिस एंड ऑल जाके शाम हो गया था तब तक। एंड देन हम लोग रिसोर्ट वापस आ गए थे विद अ मेसमराइजिंग व्यू। एंड इस दिन बहुत बहुत ठंडा था, मतलब मैं अभी आज जिस दिन आप सुबह का देख रहे हैं ना, उस दिन सुबह इट वाज अराउंड -27 डिग्री। एंड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड में हम लोग गए थे। हिक्किम पोस्ट ऑफिस इज द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड। सो चलिए, ये तो था कल लास्ट डे का रिव्यूज। अभी देखते हैं आज हम लोग कहाँ कहाँ गए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल संजना सेठ। आज है 29th, लास्ट डे एट काजा। तो सुबह सुबह रेडी हो गए हैं, यहाँ से आज जाना है रेकोंग पियो। सो अभी फटाफट ब्रेकफास्ट कर लेते हैं एंड इस सुंदर सा व्यू को पीछे छोड़ते हुए हम लोग आगे निकल जाएंगे रेकोंग पियो की तरफ। सो फटाफट अभी ब्रेकफास्ट करते हैं एंड देन निकलते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए आ गया है, आ गए हैं। यहाँ पे आंटी ने गर्मा गर्म पूली बनाया है आंटी। हम लोग ताबो में पूली खाए थे एंड बहुत अच्छा लगा था, तो फिर यहाँ पे भी आंटी को बोले कि पूली ही बना दो। सो ये है हमारा ब्रेकफास्ट आज का एंड चाय। ये है चटनी। चटनी, अच्छा ठीक है। सो फटाफट खाते हैं, निकलते हैं। गाड़ी में जाते जाते सडनली हमारे एक फ्रेंड ने बताया कि वो साइड में दिख रहा है आईबेक्स, हिमालयन आईबेक्स, वही देखने के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हैं। वो देखिए वहां पे हिमालयन आईबेक्स, जूम करने से फट जा रहा है, बट कितना दूर है, हम लोग रोड के ऊपर से देख रहे हैं। ये रही, आज का फर्स्ट स्टॉप इज ग्यू मॉनेस्ट्री। दिस इज़ द मॉनेस्ट्री बिहाइंड मी, एंड इसके पीछे जो भी है एवरीथिंग इज़ चाइना। इवन मोबाइल पे तो 4 बजे का टाइम भी दिखा रहा है, चाइना का नेटवर्क ले लिया है। सो अभी चलते हैं मॉनेस्ट्री के अंदर। ये पहाड़ों के पीछे जितना जगह है दैट इज़ चाइना बेसिकली। सो अभी थोड़ा अंदर चलते हैं, अंदर जाके मॉनेस्ट्री देखते हैं। तो ये रहा मम्मी, दिख रहा होगा। हाँ, सो एंड इनका डिटेल्स अबाउट द मम्मी, ये अर्थक्वेक पे मिला था एंड देन उनको यहाँ पे केयर रख दिया गया था। सो दिस इज़ द मॉनेस्ट्री बिल्ट लेटर एंड इसके पीछे, ये पहाड़ों के पीछे पूरा चाइना है। तो ये ग्यू मॉनेस्ट्री इतना पास है चाइना की, यू कैन सी द डॉट, ये मैप पे दिखा रहा है चाइना एंड द टाइम, एंड ये रही इंडियन टाइम। सो ये एकदम ही बॉर्डर पे ही है। फिर हम लोग मॉनेस्ट्री से निकल तो गए। उस दिन बहुत लंबा ड्राइव था, अराउंड 151 किलोमीटर्स का। इट टुक अस अराउंड 7.5 आवर्स। ये लास्ट व्यू ऑफ द मॉनेस्ट्री, मॉनेस्ट्री के पीछे ही पूरा चाइना दिख रहा है। एंड ये काजा का माउंटेन्स को पीछे छोड़ते हुए ये हम लोग आगे रेकोंगपियो की तरफ मूव करते हुए, एंड ये स्पीति रिवर साइड में आगे जाके रिवर बदल जाता है, दूसरा रिवर है, वो मैंने दूसरे वीडियोस में भी बताया है। एंड जितना हो सका मैं छोटा मोटा क्लिप्स तो ऐड की हूँ। नीचे जो रिवर है आप देख सकते हैं, कई कई जगह पूरा जम गया है, वाइट वाइट जो पार्ट है।
एंड काफी जगह ना लैंडस्लाइड्स भी हो रहा था। आगे आप देखेंगे, हम लोग गाड़ी भी, ये देखिए ऊपर से पत्थर गिर रही थी, लैंडस्लाइड्स, माउंटेन स्लाइड्स हो रही थी। तो हम लोग फट से रुके थे थोड़ा देर के लिए, मैं थोड़ा ही क्लिपिंग ले पाई। यहाँ धूल उड़ रहे, उसके पहले बड़ा बड़ा बोल्डर गिर रही थी। एंड देन हम लोग खाने के लिए जस्ट वही सेम लास्ट डे जहाँ रुके थे, लास्ट टू लास्ट डे वही जगह रुके थे। एंड देन हम लोग पहुंच गए थे अपना होटल। सो हम लोग अभी निरगोंपिया पहुंच गए हैं, एंड पहुंच के ही बाहर से खाना वाना ले आके एंड होटल से नूडल्स ऑर्डर किए हैं। बहुत ज्यादा भूख लगा था सबको, एंड दो तीन दिन से सिर्फ कढ़ी चावल, राजमा चावल ये सब खा के हम लोगों का बहुत हालत खराब था। अभी ये सब खाना एंजॉय करते हैं एंड देन फ्रेशन अप होते हैं। हमारा डिनर आ गया है। हम लोग एक्चुअली डिनर हॉल में, डाइनिंग हॉल में आए हैं। राइस है, यह है काली दाल, चिकन और जीरा आलू, और इसमें है रोटी। सो यह है इनका डाइनिंग एरिया। बहुत ज़्यादा ठंडा है, अभी बैठते हैं डिनर करते हैं फटाफट। ये है टोटल आज का व्यू, जो हम लोग 151 टोटल किलोमीटर्स ट्रैवल किए थे फ्रॉम हर होम स्टे। वी वेंट टू ग्यू मॉनेस्ट्री। मैप पे भी आप देख सकते हैं पूरा चाइना बॉर्डर ही है, इवन हमारे फ़ोन में भी तो चाइना का घड़ी दिखा रहा था। देन वहाँ से हम लोग नीचे की तरफ आए पू होकर, हम लोग अपने जो होटल है उसके तरफ बढ़ गए। एक्चुअली एट ए स्ट्रेच हम लोग 80 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट ट्रैवल किए थे एक पॉइंट पे, एंड काफ़ी टायरिंग था। बट ये भी था कि उतना चिलिंग ठंडे से अभी थोड़ा सा टेम्परेचर कम होगा अभी आगे जितना हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। होटल पहुँचते पहुँचते आपने देखा ही होगा टोटल शाम हो गया था, अंधेरा हो गया था। होटल का वीडियो मैं आगे ऐड कर दूंगी। टिल देन लाइक दिस वीडियो, वेट फॉर अनदर वन।